तो ये काम आप कैसे करेंगे? ऐसे में आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी नहीं है तो ये कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड कराएगी, वो भी फ्री में। इसलिए सबसे पहले हम पेमेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इसमें आपको काम करना है, क्या आपको काम करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से वर्क करके कितना कितना अर्न किया गया है, 32,400, 36,000, 28,800, 50,400, 14,400। इसी तरह आप स्क्रॉल करके पूरी अर्निंग देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस सैंपल को देखिए, आपको इसी तरह से वर्क मिलेगा, इसी तरह से आपको टाइपिंग करना है। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे जॉब के बारे में जिसमें आपको पेज टाइपिंग, टेक्स्ट टाइपिंग, वीडियो कन्वर्टिंग से रिलेटेड वर्क करना है। अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद कुछ टाइपिंग वर्क ढूंढ रहे हैं तो ऐसे में आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो ये काम आप कैसे करेंगे? ऐसे में आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी नहीं है तो ये कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड कराएगी, वो भी फ्री में। कैसे आपको लैपटॉप के लिए अप्लाई करना है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ध्यान रहे इसमें एक लिमिट टाइम भी है, लिमिट टाइम से पहले इसमें आपको अप्लाई करना है। 7 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक इसकी जो टाइमिंग है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं। इसके बारे में सभी लोग जरूर जानना चाहते हैं कि इसमें हम काम करेंगे तो किस तरीके से कंपनी हमें पेमेंट करेगी। इसलिए सबसे पहले हम पेमेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इसमें आपको काम करना है, क्या आपको काम करना है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी हमें पेमेंट कितना करेगी और किस तरीके से करेगी। तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हैं पेमेंट का प्रूफ, आप देख सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से वर्क करके कितना कितना अर्न किया गया है, 32,400, 36,000, 28,800, 50,400, 14,400। इसी तरह आप स्क्रॉल करके पूरी अर्निंग देख सकते हैं, डेट वाइज यहां पर आपको देखने को मिलता है किस तरीके से इनकम यहां पर किया गया है, इसमें किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस सैंपल को देखिए, आपको इसी तरह से वर्क मिलेगा, इसी तरह से आपको टाइपिंग करना है। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा आपको डिफिकल्ट वर्क नहीं है, आप इजी वे में इस वर्क को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस सैंपल इमेज को डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर कर सकते हैं। आप यहां स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद क्लिक हेयर टू, स्क्रॉल करने के बाद क्लिक हेयर फॉर डेमो वर्क, जिप फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके अपने पीसी या लैपटॉप में इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसमें काम आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे स्कैनिंग बुक, अलोकेट पेज, टाइपिंग पेज, वर्क फ्रॉम होम, एनालिसिस सबमिटेड, वर्क कन्वर्टर इन बुक्स, पब्लिक्स ई बुक्स, इस तरीके का काम आपको इसमें दिया जाएगा और इस तरीके का काम आपको करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप में सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे हायर इन ग्लोबल। टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है हायर इन ग्लोबल, ग्लोबल रीच लोकल प्रेजेंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर इन ग्लोबल ज्वाइन इन टाइपिंग प्रोजेक्ट टू अर्न इन योर पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट। उसके बाद नीचे भी आप यहाँ देख सकते हैं एज वर्क आर प्योर पार्ट टाइम वी आर नॉट गिविंग एनी टाइम लिमिट टू द कंप्लीट एनी वर्क। यहाँ देख सकते हैं आवर प्रोग्राम वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन ई बुक्स टाइपिंग प्रोजेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 2008 एंड वी एक्सेप्ट टू कंप्लीट इट होल प्रोजेक्ट बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर 2036।
इसमें आप अपने पढ़ाई के साथ साथ इसमें पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। इसमें इतना काम है कि 2036 तक काम खत्म होने वाला नहीं है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अब जिनके पास लैपटॉप नहीं है, उनको लैपटॉप कैसे मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, डू नॉट हैव अ सिस्टम, यानी जिनके पास सिस्टम नहीं है। हायर इन ग्लोबल इज प्रोवाइडिंग लैपटॉप टू दोज हु डू नॉट हैव अ सिस्टम विल बी डिडक्ट नॉमिनल रेंट चार्ज फ्रॉम योर सैलरी। तो ये जो लैपटॉप का जो आप दिया जाएगा, आपके सैलरी से नॉमिनल चार्ज आपसे रेंट के रूप में लिया जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मोर पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके से आपको लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप ऑन रेंट, किस तरीके से आपको अपने लैपटॉप का रेंट देना है। अप्लाई फ्रॉम द वेबसाइट पे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर आकर आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत यहाँ पर है। एनी वन गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, कोई भी एक को आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको देना होगा। यू डू नॉट हैव पे एनी रेंट इन एडवांस, आपको कोई भी एडवांस में पैसा नहीं देना है अपने लैपटॉप के लिए। विल बी डिटेक्ट नॉर्मली रेंट चार्जेस फ्रॉम योर सैलरी, जो आपको सैलरी दिया जाएगा इस वेबसाइट पे काम करने के माध्यम से, उसी सैलरी से आपका नॉमिनल रेंट चार्ज आपसे कटा जाएगा। और आपका रेंट कैसे लिया जाएगा, यहाँ पर भी दिया गया है। न्यू कंडीशन लैपटॉप के लिए कितना लिया जाएगा, और रिप्लेसमेंट कंडीशंस के लिए कैसे आपसे कितना परसेंटेज चार्जेस किए जाएंगे। अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अप्लाई नाउ। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई विदाउट एग्जाम, यानी अगर आप बिना एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं, उस कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा। जैसे डोंट गिव फॉर एग्जाम टू द ज्वाइन, अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो इफ यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, यानी बिना एग्जाम दिए इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें वर्क करना चाहते हैं, तो आपको मास्टर की डिग्री जो कि कंप्यूटर की आपको देनी पड़ेगी। इफ यू आर क्वालिफाइड फ्रीलांसर देन फॉलो फर्स्ट ज्वाइनिंग मैथड टू ज्वाइन इन द प्रोजेक्ट। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, क्वालिफाइड फ्रीलांसर हैं, तो भी आपको इससे रिलेटेड देना होगा। इफ यू डू नॉट हैव मास्टर डिग्री एंड स्टिल वेंट टू ज्वाइन देम, यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम बाय सबमिटेड एक्यूरेसी सर्टिफिकेट ऑप्शंस। तो इस तरीके के ऑप्शंस को आपको विदाउट एग्जाम के मानने पड़ेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो क्लिक हियर टू अप्लाई पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे कुछ नियम रूल्स बताए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ यू आर इंडियन देन सेंड योर पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट टू द मास्टर हायर ग्लोबल डॉट कॉम। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप भारतीय हैं, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आपका एक कोड है, उस कोड को आपको master@hireinglobal.com पर आपको वो कोड सेंड करना होगा। बाकी यहाँ कुछ रूल्स नियम लिखे गए हैं, आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लॉग इन डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड विद इन 24 वर्क आवर आफ्टर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फ्रॉम फॉर विथ वैलिड मास्टर कोड। ऑल इंट्रक्शन विल बी प्रोवाइड बाई अलोकेटेड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर रिक्वायरमेंट। तो वो कोड आप पहले सेंड करेंगे, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और नीचे आके देख लेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद आपका अपना लास्ट नाम फिल करना है। उसके बाद अपने जेंडर को चूज करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर्स को फिल करना है। उसके बाद आपको अपने ईमेल एड्रेस को फिल करना है। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। अगर आपके पास अन्य कोई दूसरा एड्रेस है, तो यहाँ पर भी आप फिल कर सकते हो। उसके बाद सिटी, स्टेट। उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया है, मास्टर कोड टू ज्वाइन विदाउट एग्जाम। अगर आप बिना एग्जाम दिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपके सर्टिफिकेट पे जो कोड है, उस कोड को सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं।